हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। देखिएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर, डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू, है ना। एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ RRB, NTPC और ग्रुप डी में ही नहीं, सिर्फ रेलवे में ही नहीं, SSC में भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी, KVS, LDC के एग्ज़ाम में भी। ये इतने सारे एग्ज़ाम्स में जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन्हें मैं आपको एक अलग वे में आपको मैं चीज़ें समझा दूंगा और उन क्वेश्चनों को करवा दूंगा, क्लियर। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों का कहाँ तक हो गया था, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था लास्ट क्लास में, क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, सर, गुप्त काल है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, अगर नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, सर, कुमार गुप्त, है ना, क्लियर, है ना। किसने करी थी, सर, कुमार गुप्त में। इतनी चीज क्लियर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमार गुप्त ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कि किस पुस्तक का 15 15 भारतीय, और ये और लिखा है, ठीक है, 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, हितोपदेश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, पंचतंत्र या फिर कथा सरित सागर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखो, इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है ना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सर, पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्र जो है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पंचतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक कौन सी, वो पुस्तक है जो 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा, पंचतंत्र। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जो कि बहुत बार आ चुका है, कि पंचतंत्र किसने लिखी, मतलब पंचतंत्र के राइटर कौन है, तब आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सर, तब आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, विष्णु शर्मा। क्या आंसर होगा, सर, विष्णु शर्मा, क्लियर। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मालगुड़ी डेज, है ना, मालगुड़ी डेज के कौन है, मालगुड़ी डेज, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मालगुड़ी डेज के कौन है, तो भैया ध्यान रखिएगा, आर के नारायण जी, है ना, आर के नारायण, क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, पंचतंत्र और मालगुड़ी डेज। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिएगा कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। भैया सभी लोगों को पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ है, सर, उड़ीसा में है, और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। इतनी चीज क्लियर है, ठीक। अब आप लोगों को यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि उड़ीसा के CM कौन है और गवर्नर कौन है। आप लोगों को मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा, क्लियर हो गया। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, सर, उड़ीसा में है, उड़ीसा का जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। अब आपको इसका CM और गवर्नर मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। क्या होगा आपका आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या फिर आरम शाह। तो बिल्कुल यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या है, गुलाम वंश के संस्थापक है। मैं यहाँ पर आपको जितने भी वंश थे, है ना, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, और उनके संस्थापक कौन थे और इनका जो वंश है ये कब से कब तक चला, ये मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर। जिस जिसको पता है, मैं यहाँ धीरे धीरे लिख रहा हूँ, जिस जिसको पता है वो मन में बोलते जाइएगा ताकि आपका रिविज़न होता चले, क्लियर। चलो, तो यहाँ पर देखिएगा, सर, गुलाम वंश, सबसे पहले जो वंश आया वो कौन सा है, यहाँ पर गुलाम वंश है, ठीक, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में आपका जो सबसे पहला जो यहाँ पर वंश आया वो है, सर, आपका गुलाम वंश। इसका जो काल था वो था 1206 से लेके 1206 से लेके 1290 तक, ठीक। इसके जो संस्थापक थे, है ना, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक।
गुलाम वंश के बाद जो वंश आया वो था सर खिलजी वंश। कौन सा वंश था? खिलजी वंश। ठीक, खिलजी वंश। अच्छा, खिलजी वंश का जो काल है ये कब से कब तक चला? तो देखो, ये चला है 1290 से 1330 तक, 1290 से 1330 तक। इसके जो संस्थापक थे इस वंश के, वो कौन थे सर? कोई मुझे बताएगा? वो थे जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन, जलाउद्दीन खिलजी, ये द है ना, द जलाउद्दीन खिलजी। ठीक, चलो। तीसरा, खिलजी वंश के बाद जो वंश आया वो कौन सा था सर? तुगलक वंश, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसका जो काल है वो चला है 1330 से, इस वंश का जो काल है वो था 1330 से 1414 तक। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक जो थे वो थे गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, ये दा है ना, गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर? इतनी चीज क्लियर? ठीक। अच्छा, इसके बाद तुगलक वंश के बाद जो वंश आया वो कौन सा था सर? सैयद वंश। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चौथा वंश, चौथा वंश यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा सर? सैयद वंश। ठीक, सैयद वंश। सैयद वंश का जो काल है वो कब से कब तक चला? तो 1414 से 1450 तक, 50 नहीं, 51 तक। ठीक है, 1451 तक, है ना, क्योंकि 1451 से फिर 1526 तक। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सैयद वंश जो है उसका जो काल चला 1414 से 1451 तक। इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया था, आरआरबी जेई में आला क्वेश्चन पूछा गया है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो संस्थापक थे वो कौन थे सर? खिजर खां। क्लियर? खिजर खां। ठीक, चलो। इसके बाद जो पांचवा वंश है वो कौन सा था सर? सभी लोगों को पता होगा, वो है लोदी वंश, है ना, लोदी वंश। इनका जो काल है वो कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक। इनके जो संस्थापक थे लोदी वंश के वो कौन थे? जिसको पता है वो मन में बोलिएगा ताकि उनका रिवीजन होता रहे। तो लोदी वंश के संस्थापक थे सर बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। क्लियर हो गया, है ना? फिर इसके बाद तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हो गया था, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया। तो हम उनके क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये पांचों वंश यहाँ पर मैं एक बार रिवीजन करा दूँ। गुलाम वंश जो कि काल था इनका 1206 से 1290 तक, इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आया सर खिलजी वंश जो कि 1290 से 1330 तक था, इनके संस्थापक थे जलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद तुगलक वंश जो कि 1330 से 1414 तक का था, जिनके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। फिर उसके बाद आया सर सैयद वंश, सैयद वंश जो था वो 1414 से 1451 तक था, जिसके संस्थापक थे खिजर खान। फिर उसके बाद लोदी वंश आया जो कि 1451 से 1526 तक था, और फिर इनके जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोदी। क्लियर हो गया सभी लोगों को? इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है देखिएगा। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्ने बतूता जो कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री था वो इनके शासन काल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी, व्यापम, ये सारी जगह एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि तुगलक नामा के रचनाकार का नाम? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि भैया कोई मुझे बताएगा यहाँ पर तुगलक नामा किसने लिखी? ठीक, चलो ये मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, है ना, क्या दे देता हूँ सर? होमवर्क। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँगा।
ठीक, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अभी तक कितने स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ चुके हैं अच्छे से, क्लियर। तो ये इजी क्वेश्चन तो उन लोग ऐसे ही दे देंगे आंसर, है ना। तो आप लोग बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर देखूंगा, वरना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कब करवाया था, तो ध्यान रखिएगा सर 1305 में, क्लियर ना। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। भैया ये तो सभी लोगों को पता होगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरई, और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु। तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम में ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु। आगे बढ़े, ठीक, चल अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो हमको यहाँ पर बताना है 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी या फिर 13वीं। तो बिल्कुल सर यहाँ पर 13वीं सदी में हुई थी। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो 1336, ध्यान रखिएगा कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया सभी लोगों को, कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण देव राय राजा थे, बताइएगा सर कहाँ के। तो बिल्कुल कृष्ण देव राय जो राजा थे वो थे सर विजयनगर के, ठीक, ध्यान रखिएगा कृष्ण देव राय विजयनगर के राजा थे, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब। तो बिल्कुल सर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये चार मीनार कहाँ है सर, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना स्टेट में, क्लियर हो गया सभी लोगों को, है ना। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने, क्लियर है इतनी चीज। चलो तो भैया आज की क्लास के इतने क्वेश्चंस थे, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, है ना, क्लास को शेयर भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो जो मैंने पूछा है उसका आंसर दीजिएगा, है ना। एक दो चीज़ें पूछी है, ठीक, एक तो तुगलक नामा किसने लिखी, और आपसे उड़ीसा का सीएम और गवर्नर पूछा है ना। तो ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक चैनल की लिंक, मतलब फेसबुक ग्रुप की लिंक, फेसबुक पेज की लिंक, है ना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। तो आप लोग एक एक करके सारी लिंक को ओपन करिएगा और वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्लियर हो गया। चलो तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।